देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने टैक्स स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक चीजें जानी थी, याद होगा, जिसमें सबसे पहली चीज ये जानी थी कि जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने? द फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकेंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब होता है जिसमें जो टैक्स लाइबिलिटी है दैट इज टू बी पेड टू बाय दैट पर्सन on whom या to whom the liability has been imposed, means the tax is to be ultimately paid by that person to whom the tax has been imposed, जिसके ऊपर tax actual में impose किया गया है वही अपनी pocket से tax निकाल करके government को देता है, that's why it is known as direct tax, जिसका example होता है income tax। पहले wealth tax भी था, खत्म हो गया। पहले gift tax भी था, क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस अब सेक्शन 56 में ही इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। यहां इनकम टैक्स में ही गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कर दिए गए, तो गिफ्ट टैक्स अलग से हट गया। बीच में कुछ साल तक तो गिफ्ट टैक्स हटने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो गई थी। गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स हटा दिया, कहा गिफ्ट टैक्स एक्ट लगेगा ही नहीं, और इनकम टैक्स में गिफ्ट से रिलेटेड प्रोविजंस उस समय इनकॉर्पोरेट नहीं हुए थे। लोग क्या करने लगे, काले धन को यानी कि ब्लैक मनी को डाइवर्ट करने के लिए गिफ्ट देना शुरू कर दिए, गिफ्ट लेना शुरू कर दिए। समझ में आई बात? तो उसके बाद फिर से इनकॉर्पोरेट हुआ, सेक्शन 56, 2, 6, 10, इस तरह के प्रोविजन हम लोग देखेंगे फिलहाल। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो जिस पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है, जरूरी नहीं एक्चुअल टैक्स बियरर वही हो, टैक्स लायबिलिटी वो उसके हाथ में आती है जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर विल बोर्न और बियर दीज टाइप ऑफ टैक्सेस। आप पेन लेने गए, कॉपी लेने गए, बैग लेने गए, एक्चुअल में ये टैक्स आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर ने सरकार को दिया टैक्स, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से पैसा वसूल लिया था। याद आया? कहां गया ये? मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से पैसा वसूल लिया टैक्स का, होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचते समय उस प्रोडक्ट पर जो टैक्स दिया था होलसेलर को, रिटेलर ने वो वसूल कर लिया, और लेकिन जब रिटेलर ने वही सामान कंज्यूमर को बेचा तो कंज्यूमर से वसूल कर लिया। अब कंज्यूमर क्या करेगा? उस सामान को कंज्यूम करेगा, और जब उस सामान को कंज्यूम करेगा तो टैक्स उसी को ही तो देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि दो तरह के टैक्स होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपका आता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स खत्म हो चुके हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो इसमें आता है आपका जीएसटी। याद आया? सर नाम तो बहुत सुना है जीएसटी। दूसरा एक्साइज ड्यूटी, अभी भी ये बचा हुआ है काफी चीजों पर। कस्टम ड्यूटी, ये बचे हुए हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर चार टैक्सेशन है मेन, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज और कस्टम। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट दो ही बचते हैं, इंपॉर्टेंट की बात की जाए, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। इनकम टैक्स एंड जीएसटी, इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने जब आपको ये लास्ट सेशन बताया था तो मैंने ये चीज क्लियर की थी, जो हमारा इनकम टैक्स है ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट के कंसेप्ट पर बेस्ड है, यानी अनइक्वालिटी ऑफ इनकम को इक्वलाइज करना या सोशल, जिससे हम ये इनकम टैक्स हटा नहीं सकते, और इसका रीजन बताया था। याद आया? क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, डिफरेंसेस बताए थे, इसके बाद मैंने कहा था चलो स्टार्ट करते हैं अपना इनकम टैक्स एक्ट, और उस इनकम टैक्स एक्ट में मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन 1। कोई भी चीज, कोई भी लॉ यानी एक्ट के बाहर काम नहीं कर सकता। इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। एक्ट का मतलब होता है काम करो, एक्ट मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये बताता है एक्ट। और रूल्स बताता है, रूल्स बताता है हाउ टू डू, कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है उस एक्ट को। दोनों में फर्क समझ में आया?
तो हमें ये चीजें पढ़नी है, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं, नोटिफिकेशंस पढ़ने, क्लैरिफिकेशंस पढ़ने, एक्सप्लेनेशंस पढ़ने हैं, जजमेंट पढ़ने हैं, सर्कुलर्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है। मिला करके बनता है पूरा लॉ, इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स लॉ। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स लॉ। अच्छा, इनकम टैक्स लॉ अगर इतनी चीजें पढ़नी है तो सर इनकम टैक्स एक्ट को हम लोग बेस लेकर के चलेंगे और उसको एंड करेंगे। हाँ, जहां जहां हमारे रूल्स आएंगे विल डिस्कस अबाउट दोज रूल्स, जहां जहां एक्सप्लेनेशन सर्कुलर्स की जरूरत पड़ेगी यस वी विल डिस्कस दोज थिंग्स आल्सो इन द सेम वे जजमेंट्स। ठीक, तो हम लोग बेस लेकर किसको चलेंगे? एक्ट। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 एक्ट में, एक्ट अपने दायरे के बाहर जाकर के कोई काम नहीं कर सकता। एक्ट अपने दायरे के बाहर जाकर वो वही काम कर सकता है जो उसकी किस्मत में लिखा है, वो वही काम कर सकता है जो उसकी किस्मत में लिखा है। तो उसकी किस्मत में क्या लिखा है? एक्ट लिखा है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। तो ये एक्ट वही काम करेगा जो इसको बोला गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये उसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। इसका नाम भी सुन ले इधर, इसका नाम भी तुम्हारा नाम तुम्हारे पापा ने पूछ कर रखा था? नहीं। लेकिन इसका नाम इससे पूछ कर रखा गया, इसका नाम इससे पूछ कर रखा गया है। सुन लो, कहता है सेक्शन 1 नामकरण है, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962 इक्वली एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया। बात समझ में आई? पूरे इंडिया पर समान रूप से एप्लीकेबल होगा। This is Income Tax Act 1961, applicable from 1st April 1962, equally applicable throughout India. बात खत्म। ये Income Tax Act 1961 है, 1st April 1962 से effectively applicable हुआ है और पूरे इंडिया पर लागू होता है। चले आगे। सेक्शन 2 में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन पर्सन की। 7 तरह के पर्सन होते हैं, कितने तरह के? ये मैंने बताया था आपको सेक्शन 231 पर्सन की डेफिनेशन बताई थी। अब शांत रहें। पर्सन की डेफिनेशन बताई थी, कितने तरह के? 7 तरह के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP इसमें शामिल है, AOP, BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। याद आया? ये 7 तरह के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। फिर से बोलूं एक बार, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्लियर है? ये 7 तरह के पर्सन हैं आपके। अच्छा, एक बात बताओ, सेक्शन हम लोगों ने 231 के बाद सेक्शन 3, मैंने कहा था सेक्शन 2 में सारे के सारे डेफिनेशंस दिए हुए, बोला था सेक्शन 2 में सारे के सारे डेफिनेशन दिए हुए, लेकिन वो डेफिनेशन समय समय पर हम कवर करते रहेंगे। सेक्शन 3 फिर से डेफिनेशन को कवर करता है, प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया था, याद आया होगा सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, क्योंकि पूरे इनकम टैक्स को हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में तोड़ करके चलते हैं। हम पूरे इनकम टैक्स को प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में तोड़ करके चलते हैं, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? सेक्शन 3 में बताया गया है, मैंने ये पूरी डिटेल में बताई थी कहानी आपको। सेक्शन 3 बोलता है प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, which is immediately preceding the assessment year.
प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च को एंड होता है। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च को। तो प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला साल हो। तो अगर मैं कहूं कि हम कमा रहे हैं ईयर 22-23 में, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23 तक हमने अर्न किया। क्या किया? लेकिन जब हम टैक्स पे करने की बात करते हैं, टैक्स असेस्ड करने की बात करते हैं, तो वो ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 20, यानी यहां अर्न किया, यहां टैक्स पे किया, यहां टैक्स पे किया, अर्न किया एक साल, टैक्स असेसमेंट हुआ दूसरे साल। पे वर्ड मैं अभी गलत बोल रहा हूं समझाने के लिए, फ्यूचर में आप लोग को वो चीजें पता चलेंगी। फिलहाल अब ये जानो कि हम लोग अर्न करते हैं एक साल में, पेमेंट और असेसमेंट होता है उसके अगले साल में। तो हम इसको नाम देते हैं प्रीवियस ईयर और इसको नाम देते हैं, यानी जब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की, किसकी बात करते हैं? असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस साल के कमाई की बात कर रहे हैं, 22-23 में जो मैंने कमाया है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर 23-24, तो इसका मतलब हम उसके एक साल पहले में जो कमाए हैं एक्चुअल में, उसके इनकम की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूं असेसमेंट ईयर 1920, तो बताओ इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, या किस साल मैंने इनकम कमाई होगी? सर हमने कमाया होगा 1819 में, और इस 1819 के टैक्स के पेमेंट की बात हम असेसमेंट ईयर में कर रहे हैं, असेसमेंट की बात असेसमेंट ईयर में कर रहे हैं। अब समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं है? पक्का? चलो प्रीवियस ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर क्या होगा? यानी इस साल जो कमाएंगे इसका असेसमेंट ईयर होगा 22। अब क्लियर है? यानी कमाएंगे एक साल, टैक्स देंगे अगले साल। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बताए थे मैंने, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है। भाई कब लग जाता है? प्रीवियस ईयर में ही प्रीवियस ईयर का टैक्स देना पड़ता है। प्रीवियस ईयर विल बी द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर विल बी द असेसमेंट। अब बात समझ में आई? नहीं? तो प्रीवियस ईयर ही हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। किस केस में? इन 5 केसेस में। अगर कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस कर रहा है, तो जब भी वो इंडिया छोड़ेगा अपना टैक्स लायबिलिटी पूरा करके जाएगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी पूरी। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस रन कर रहा है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस रन कर रहा है, तो अपनी टैक्स लायबिलिटी पूरा करके ही इंडिया छोड़ेगा, उसके पहले नहीं छोड़ सकता। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है, इंडिविजुअल अगर कोई इंडिया छोड़ रहा है, इंडिया ही छोड़ रहा है, तो जब जा रहे हो जाओ, कोई बात नहीं, टैक्स पूरा दे करके जाओ। इंडिया छोड़ रहे हो, अब तुम्हारे आने की क्या चांस है? पता नहीं। तो भैया इंडिया छोड़ रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, तो अपना टैक्स लायबिलिटी निपटा करके जाओ। हम तुम्हारा वेट तो नहीं करेंगे अब कब आओगे और कब हमें टैक्स दोगे। हाँ या ना? Yes. अगर कोई इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसने अपना बिजनेस या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए या किसी इवेंट के लिए किया था, यानी किसी बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया किसी पर्टिकुलर टाइम इवेंट के लिए, टाइम फ्रेम के लिए या किसी इवेंट के लिए, हम दोनों लोग बिजनेस करना स्टार्ट किए कि चलो भाई गवर्नमेंट ऑफिस में हम लोग ये 2 लाख किलोग्राम मटेरियल सौंप देंगे, हम लोग का काम खत्म, हम लोग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। यानी हम दोनों ने एक तरह से ज्वाइंट वेंचर किया, एओपी या बीओआई बनाया, तो भैया इसका खत्म हो गया ना, सामान दे दिया ना, इसी साल दे दिया, सप्लाई कर दिया, प्रॉफिट बांट लिया, बिजनेस बंद हो गया, अब भैया टैक्स दे करके जाओ ना, अब तुम्हारा इंतजार हम अगले साल तक थोड़ी करेंगे। गवर्नमेंट को अगर कहीं लगता है कि सामने वाले ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टैक्स चोरी करने के लिए, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टू अवॉइड टैक्स चोरी करने के लिए, तो भैया तुरंत का तुरंत टैक्स दे करके जाओ, तुम्हारा अब इंतजार नहीं करने वाले। तो मैंने 5 बताए, 4 बताए, नहीं 5 है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, बिजनेस को बंद कर देना।
कि अगर हम अपने बिजनेस को जिस साल बंद करते हैं उसका हिसाब किताब उसी साल गवर्नमेंट को दे करके टैक्स लायबिलिटी वगैरह निपटा करके चले जाओ। तो पहला मैंने बताया, अगर कोई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस कर रहा है, कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है या किसी टाइम फ्रेम के लिए AOPBY आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन को बनाया गया है टाइम फ्रेम या इवेंट के लिए, और फोर्थ बताया था प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं टैक्स अवॉइडेंस के लिए, और लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इज इट क्लियर? सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 4 बताता है चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। ढंग से सुनेंगे, नई चीज है, बिल्कुल आराम से। सेक्शन 4 ये बेसिकली इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। किसका चार्जिंग सेक्शन है? अगर ये ना होता तो शायद इनकम टैक्स भी ना होता। ये क्या बोलता है? ये बोलता है ये सेक्शन कि भाई आपकी ना 5 हेड्स ऑफ इनकम में इनकम होती है। कितने? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितने? 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। आपकी सैलरी होती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, बिजनेस से इनकम होती है या प्रोफेशन से इनकम होती है, कैपिटल गेन यानी किसी एसेट को ट्रांसफर करने से, बिल्डिंग प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करने से इनकम होती है, या कोई इनकम जो इन चारों में नहीं आएगी, जुआरी हो, जुए की इनकम आ सकती है ना? नहीं आ सकती। डिविडेंड की इनकम हो, इंटरेस्ट की इनकम हो, नेताओं की इनकम हो, ये अदर सोर्सेस की इनकम। बात समझे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अगर आपके पास ये 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये मैं क्या बता रहा हूं, सेक्शन 4 चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, ये बोलता है अगर आपके पास ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, कितने? 5, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। अगर ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपके, तो पांचों को ऐड कर लो ना, बोलो ना, पक्की बात है। लेकिन कभी कभी इस 5 के अलावा मिस्टर एक्स ने जो सैलरी भी कमाता है और बिजनेस से भी कमाता है, चलो डिविडेंड से कमाता है, ठीक है, शेयर वगैरह खरीद करके डिविडेंड कमाता है, ये 2 इनकम कमाता है। अब डिविडेंड इसके नाम से आता है, इसकी सैलरी थी ऑलरेडी 5 लाख, 2 लाख रुपए का डिविडेंड था। अब इसको इनकम टैक्स देना पड़ता था कितने पर? 7 लाख पर। इसने सरकार को चूना लगाया। क्या लगाया? कैसे लगाया? इसने अपनी ये डिविडेंड की इनकम या जो शेयर्स थे, इसने अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दिए। नहीं समझे? पैसा लेकर, कम देकर, ज्यादा देकर, और बाद में देखेंगे हम लोग। अब ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? अब शेयर तो फ्री में दे दिया, गिफ्ट डीड लिख दिया, ट्रांसफर कर दिया। बेसिकली यहां पर्पस क्या था? टैक्स चोरी करना। क्या पर्पस था? अब इसकी इनकम हो गई 5 लाख, इसके वाइफ की इनकम हो गई 2 लाख, दोनों लोग गवर्नमेंट को 0-0 टैक्स देकर दांत दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे, पक्की बात है ना? तो सरकार ने कहा कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जहां पर किसी दूसरे की इनकम वापस हमको इसके खाते में लानी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट इसका क्या उपाय निकालेगी कि भैया ये इनकम मिसेज एक्स के हाथ में नहीं टैक्सेबल होगी, तुम लाख बुरा चाहो, लाख कोशिशें कर लो, लाख जतन कर लो कि तुम अपनी इनकम को डाइवर्ट कर लोगे अपने यहां से दूसरे के पास, हम वो काम होने। इसके लिए एक चैप्टर बनाया गया, क्लबिंग ऑफ इनकम। कौन सा इनकम? क्लबिंग ऑफ इनकम, या इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द SSE, इस चैप्टर का नाम है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, मिस्टर एक्स के पास सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इसके पास एक और इनकम आ जाएगी। कौन सी? इनकम ऑफ अदर पर्सन। हाँ या ना? तो ये 5 इनकम तो हैं, इसके पास और आ जाएगा क्लबिंग ऑफ इनकम। इन सबको जोड़ लो,
इस पर टैक्स देना है? नहीं, सुन लो, अभी भी बचा है। इसकी इस साल की टोटल मान लो इनकम आ गई 12 लाख, पिछले साल लास्ट ईयर इसके बिजनेस में लॉस हुआ था 2 लाख रुपए, कितना? प्रॉफिट होने पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। मैंने क्या बोला? अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी, और आपको लॉस हो गया तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? अगर प्रॉफिट हो गया तो गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी, और लॉस हो गया तो क्या देगी? टैक्स देगी। अजीब लग रहा है ना, कि अजीब वो गरीब लग रहा है, क्या लग रहा है? अजीब लग रहा है। गवर्नमेंट टैक्स वापस करेगी। अजीब लगा? ऐसा हो सकता है? हैं? कुछ प्रॉपर्टीज में देखो, इधर गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स वापस करेगी, कभी सुने हो? हाँ, वापस करेगी। सुनो कैसे, ये है प्रीवियस ईयर 21-22, ये है प्रीवियस ईयर 22-23, और ये है प्रीवियस ईयर 23-24। मान ले तो इनका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका होगा 22-23, 23-24 और 24-25। आया ना? इसकी इनकम है, हर साल की इनकम दी हुई है, 5 लाख का नुकसान है, 3 लाख का प्रॉफिट है, 9 लाख का प्रॉफिट है। आया ना? बोलो इधर देखो, मान लो गवर्नमेंट टैक्स वापस कर देती, 20% टैक्स ले, 10% टैक्स लेती है गवर्नमेंट, कितना लेती है? प्रॉफिट होगा तो टैक्स लेंगे, लॉस होगा तो टैक्स दे देंगे, मान लो गवर्नमेंट ये बोलती है। तो यहां पर आपको इनकम टैक्स मिलेगा या गवर्नमेंट लेगी? या आपको मिल जाएगा ना, वापस मिलेगा ना, 10% टैक्स मान लिया, हाइपोथेटिकल फिगर है 10%, और यहां 30,000 गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, और यहां कितना लेगी? हाँ, है ना? नेट कितना टैक्स लिया गवर्नमेंट ने? 70,000। ये आपकी जेब से गया, ये आपकी गया ना, गवर्नमेंट टैक्स दे रही है तो यही हो रहा है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट को टैक्स ना दे, गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि भाई अगर लॉस हुआ है ना तो उसको एडजस्ट कर लेना ना नेक्स्ट ईयर से, लोचा किस चीज का? लॉस हुआ है, प्रॉफिट के समय हम तुमसे टैक्स ले रहे हैं, तो लॉस के समय हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो लॉस तुम पूरा करोगे नहीं करोगे? करोगे। तो ये कहना कि अगले साल हमारी 3 लाख की इनकम है, इस 5 लाख में से 3 लाख तो हमने यहां से एडजस्ट कर लिया, इसको हटा दो दिमाग से, ये हटा दो। अब बताओ यहां इनकम कितनी हुई? 0, यहां तो थी नहीं, अभी भी 2 लाख एडजस्ट करना बाकी है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा ये 2 लाख आप यहां से एडजस्ट कर लो, तो अब आपकी इनकम कितनी हुई? और गवर्नमेंट ने कहा अब टैक्स दे दो, कितना परसेंट? 10%। कितना बनता है? वही तो आया, गवर्नमेंट टैक्स वापस करती जेब में हमको, तो भी हमको नेट 3 साल का टैक्स कितना देना पड़ता? 70,000। और अगर एडजस्ट करने के लिए बोल दे लॉस, तो भी हमें टैक्स तो 70,000 ही देना है। इसका मतलब उस लॉस को गवर्नमेंट ने हमें एडजस्ट करने का मौका दिया और अपने टैक्स को कम कर दिया। नहीं समझ में आई बात? जो लॉस है उसको गवर्नमेंट ने एडजस्ट करने का मौका दिया, नहीं दिया आपको, तो इसका मतलब आपकी इनकम कम हुई कि नहीं हुई? उतना टैक्स नहीं देना पड़ा ना आपको, वापस ही तो हुआ एक तरह से वापस ही तो हुआ। नेट तो आपका अगर गवर्नमेंट वापस करती तो भी 70,000 जाता, अगर नहीं वापस कर रही है, एडजस्टमेंट का मौका दे रही है, तब भी 70,000 ही जा रहा है। मौका तो मिल रहा है ना आपको, और 8-8 सालों तक का मौका मिलता है। कितने सालों तक का? इसको हम कहते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये चैप्टर पढ़ोगे, जब ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे हम लोग,
पांच हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लिया, क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ये आपकी कही जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या कही जाती है? इसको हम लोग नाम देते हैं जीटीआई। क्या नाम देते हैं इसको? हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसका शॉर्ट में कहते हैं इसको जीटीआई। हटा दें ये सब। मैं फिर बोलूं, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स में बोला गया है पांच हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इसमें आप क्लबिंग ऑफ इनकम और ले लो दूसरे की इनकम। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर किसी साल लॉस हुआ है तो उसको एडजस्ट कर लो। ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? अंडर सेक्शन 80, इसको हम लोग चैप्टर 6A भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसको हम लोग चैप्टर 6A भी बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं? हमने कमाया और अगर हम अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कहीं पैसा लगाएं तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मेरा बिजनेस कमा रहा है, सरकार कह रही है टैक्स दो। अरे जिस दिन हम बिजनेस कमाने लायक नहीं रहेंगे उस समय हमको कौन देगा? अरे हाँ या ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे डिडक्शंस आपको दिए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन हो गया। आपका पर्सनल खर्चा है लेकिन गवर्नमेंट आपको उसका बेनिफिट देती है डिडक्शन के तौर पे। आपने घर खरीदा तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन के तौर पर उसका डिडक्शन देती है। आपने हायर एजुकेशन बच्चों के लिए करवाई तो गवर्नमेंट ने कहा उसका इंटरेस्ट का भी डिडक्शन ले लो। बात समझ में आई? कई सारे डिडक्शन हम लोग को मिलते हैं सेक्शन 80 में। ये माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, शॉर्ट में TI। इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस ऐड कर लो, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई। माइनस आपने कोई ऑलरेडी टैक्स दे रखा है एडवांस टैक्स, आपका ऑलरेडी TDS कटा हुआ है, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपने ऑलरेडी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नाम पर पेमेंट कर रखा है, हाँ या ना। आपने ऑलरेडी कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है, माइनस कर दो, जो बचेगा ये नेट लायबिलिटी बचेगी। क्या बचेगी? ये है आपको पढ़ना और पूरे चैप्टर ऐसे ही इनकम टैक्स में चलेंगे। मैंने पूरा इनकम टैक्स का शॉर्ट बता दिया। यानी आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? फर्स्ट हाफ हेड ऑफ इनकम, उसके बाद क्या पढ़ना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या पढ़ना है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखो पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये आ गया GTI, उसके बाद क्या पढ़ोगे? डिडक्शंस, उसके बाद क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम। टैक्स रेट पढ़ोगे, टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस ऐड कर लेना, एडवांस टैक्स का चैप्टर चलेगा, TDS, TCS और सेल्फ असेसमेंट टैक्स सबका चैप्टर चलेगा, बच जाएगा आपका नेट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? ये ऐसे ही चलेगा इनकम टैक्स। ये हुआ आपका कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स, क्या टैक्स कैलकुलेशन, क्या आया? टैक्स कैलकुलेशन। इसके पास आता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट। क्या आता है? खत्म नहीं हुआ टैक्स, इसके बाद फिर नए चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ये चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स, ये सेक्शन 4 यही बताता है।
लेकिन लिखा दो लाइन में है और लोग इसको पढ़ते ही नहीं है। सेक्शन फोर ना कोई पढ़ाता है और ना बच्चे पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चलता ना कि सेक्शन फोर किस चीज के लिए। जरा देखो सेक्शन फोर कितनी सिंपल सी चीज है, और मैंने भी नहीं लिखा है क्या कहीं लिखा है ना, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड्स, लिखा है ना, एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स फलाना एंड धमाका, उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये सेक्शन है जिसके कारण इनकम टैक्स बना, वो पूरे के पूरे पॉइंट्स आए कि कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया। कैलकुलेट कैसे करना है मींस कैसे आएगी वो इनकम। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक अगर आपकी इनकम आती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये बताता है सेक्शन फोर। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन फोर। इसके बाद ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आएंगे। जैसे आपकी ये इनकम आई, रिटर्न भरोगे नहीं भरोगे, कौन सी रिटर्न भरोगे, और अब रिटर्न अगर भर दिए तो सरकार चेक करेगी नहीं करेगी, सही भरे गलत भरे तो सरकार चेक करेगी, सही भरे तो ठीक है गलत भरे तो नोटिस आएगी नहीं आएगी, आएगी। उस नोटिस के हिसाब से आप जवाब दोगे नहीं दोगे, देंगे, और वो जवाब से अगर खुश हो गया तो ठीक, नहीं खुश हुआ तो फिर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। अब आप जब टैक्स लायबिलिटी पड़ जाएगी तो आप अपील करोगे नहीं करोगे, अपील करोगे, अपील करोगे तो फिर केस आगे बढ़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जाएगा, उसके बाद पेनाल्टी भी लगती है, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ोगे तुम लोग पूरे इनकम टैक्स। चले आगे, दैट वॉज द एंड ऑफ योर सेक्शन फोर। आते हैं द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बाबू, एग्जॉस्ट चला दो तो सेक्शन फाइव देखें, छोड़ दो उसको, छोड़ दो सेक्शन फाइव देखें। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर वन इसी के साथ खत्म हो जाएगा हमारा, और ये मत सोचना ये खत्म ना, इसके बाद न्यूमेरिकल इसी सेक्शन फाइव पर है सारे, ठीक है ना। तो सेक्शन फाइव बेसिकली आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा देगा, क्या स्टार्ट करवाएगा देखो कितना बढ़िया सेक्शन है सेक्शन फाइव, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये बताता है इनकम का दायरा, स्कोप का मतलब होता है जैसे हम किन किन चीजों को अपने में शामिल करेंगे। क्या बोला, स्कोप का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो, हम किन किन चीजों को अपने में शामिल करेंगे। हाँ स्कोप है, मेरा दायरा कितना बड़ा, अरे मजाक क्यों कर, मेरा दायरा कितना बड़ा है, इसको हम कहते हैं स्कोप, इसको हम क्या कहते हैं स्कोप, दायरा। तो ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम ये बताता है। एक बात बताओ, मैंने तो लास्ट सेशन में ही बताया था कि केवल इंडियन सिटीजन पर इनकम टैक्स लगता है, किस पर लगता है मैंने कहा था, हाँ, मैंने ये बोला था जो भी इंडिया से इंडिया के रिसोर्सेस को यूज करके कमाएगा, चाहे वो इंडियन हो या ना, कोई भी बंदा जो इंडियन रिसोर्सेस को यूज करके कमाएगा, चाहे वो जल थल वायु ठीक है ना, कुछ भी कहीं से भी कमाएगा इंडियन रिसोर्सेस का यूज करके, उनको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या ना हो, ये मैंने क्लियर किया था। तो किस बेसिस पर टैक्स लगता है, अगर सिटीजनशिप बेसिस पर टैक्स नहीं है तो रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के बेसिस पर टैक्स लगता है। किस बेसिस पर, किस बेसिस पर टैक्स लगेगा, रेजिडेंशियल
स्टेटस पर, इस बेसिस पर टैक्स लगता है और ये कवर होता है सेक्शन 6 में। बोलने दो, सेक्शन 5 में कवर होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम और सेक्शन 6 में कवर होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। ये क्या बताता है? बताता है, मैं अभी शॉर्ट बता रहा हूं ताकि हम सेक्शन 5 को कवर कर सकें। ये बताता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई HUF है, हाँ फर्म है, हाँ बहुत बढ़िया, AOP BOI है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है। अब बस समझ में आई, ये कब रेजिडेंट होंगे, कब नॉन रेजिडेंट होंगे, कब रेजिडेंट होंगे, कब नॉन रेजिडेंट होंगे, कब रेजिडेंट होंगे, कब नॉन रेजिडेंट होंगे, कौन सा सेक्शन बताएगा? ओके, तो ये चीजें हम लोग किस पे पढ़ेंगे, कौन सा पर्सन कब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 6। क्लियर है? हम लोग ये भी देखेंगे कि जो रेजिडेंट होते हैं ना, वो भी दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या बोला मैंने? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। हाँ बोलो आगे। नहीं, केवल इन दो में ही होता है ये, बाकियों में मत शामिल कर लेना, नहीं तुम लोग गाना शुरू करते हो तो लास्ट तक शुरू कर देते हो ना, बस इतने ही होते। इन सब में ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता, ठीक है? ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? सेक्शन 6 में, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी। हाँ, इन लोगों से कितना कितना टैक्स कब कब लेना है, इनकी कौन कौन सी इनकम टैक्स के दायरे में आएगी, वो कौन बताता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर हमसे कोई पूछता है कि मैं अमेरिकन हूं, मैंने ये इनकम अमेरिका में कमाई, क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? ये तुम कैसे कह सकते हो? नहीं, ये डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पर, डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, उल्टा मैं बोलता हूं, अब बताओ, मैं इंडियन हूं, मैंने ये इनकम कमाई अमेरिका से, उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं? ऐसे डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो? फिर वही गलती। अब बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं बोल सकते भाई, मैं इंडियन सिटीजन हूं, उससे क्या लेना देना भाई, सिटीजनशिप का आपकी इनकम से क्या लेना देना? टैक्सेबिलिटी तो तय करता है रेजिडेंशियलशिप स्टेटस, हाँ या ना? तो हम लोग आते हैं सेक्शन 5। अब समझ में आया हम किस चीज को बात करने जा रहे हैं? अगर हमसे कोई अफ्रीकन आ रहा है, अफ्रीकन पूछता है कि मैंने इंडिया से इतनी इनकम कमाई, अफ्रीका से इतनी इनकम कमाई, बताओ मेरी कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा? उसने कहा मैंने बिजनेस किया, तो मैं कौन सा चैप्टर पलटूंगा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या PGBP? ना, सेक्शन 5। यही बता देगा आपको, लोग यही करते हैं, PGBP पलटने स्टार्ट करते हैं, भैया वहां कहां जा रहे हो? मैंने सैलरी कमाई इतनी, तो सैलरी चैप्टर टटोलना शुरू करते हैं, भैया कहां जा रहे हो सैलरी पर? ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर अंडर सेक्शन 5। केवल सेक्शन 5 पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा किस पर्सन की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तब तो मैंने कहा कितना टैक्स, कितने कौन कौन सी इनकम दायरे में आती है, वो बताता है सेक्शन। अब समझ में आया? अच्छा जी, हम लोग इसको हम कहते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये पहला वाला,
दूसरा वाला क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा? बस तीन तरह से होते हैं, तीन ही तरह के होते हैं ना लोग। रेजिडेंशियल स्टेटसशिप कितने तरह की होती है? तीन तरह की होती है, तीनों मैंने लिख दिया। अब ये तय करना है कि इसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इन इंडिया, इसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इन इंडिया, इसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इन इंडिया। मेरी बात समझ में आई? इसके लिए हम लोग इनकम को तोड़ते हैं। अगर इन इंडिया है तो क्या होगा, आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा? सर समझ में नहीं आई बात, क्या इन इंडिया है? इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज कुछ समझ में आया नहीं? इन मैच कर रहा है ना ये? दूसरा, इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया। हम लोग इनकम को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं इन इंडिया। अगर आपको कोई इनकम इंडिया से मिली, इंडिया से कमाई, इंडिया से अर्जित की, इंडिया में ही पैदा हुई हुई या पैदा हुई मान ली जाए, मैंने क्या कहा, अगर आप इंडियन रिसोर्सेस का यूज करते, मैंने यही तो बोला, मैंने क्या बोला, इंडियन रिसोर्सेस का यूज करते हैं और कोई भी इनकम अर्न करते हैं, चाहे आप इंडियन सिटीजन हो या ना हो, भैया आपके ऊपर सब जगह टैक्स लग जाएगा, कोई माफी नहीं है, कोई माफी कहीं नहीं है, आपके ऊपर टैक्स लगना है। चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटसशिप कोई भी हो, अगर वो इनकम इंडिया से जनरेट हुई है, इंडिया में एक्री हुई है, अराइज हुई है या मान ली गई है, इनकम डीम टू एक्री और अराइज इन इंडिया, तो वो सब केसेस में टैक्स लगेगा। अब तो कोई डाउट नहीं है, देखेंगे, डाउट तो बहुत बड़ा है, पूछो किस चीज का। ये जो डीम्ड टू एक्री और अराइज इन इंडिया है ना, इसके लिए तुम लोग पढ़ोगे सेक्शन 9। क्या पढ़ोगे? तो सेक्शन 9 में आएगा तुम लोगों का डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अब मैं बताऊं ये सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाई जाती जब पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, जो कि कितनी जरूरी चीज है, क्योंकि ये सब चीजें बच्चों को तुरंत समझ में आती नहीं, इतना दिमाग तो खुला हुआ है नहीं, तो क्या पढ़ाया जाता है, सैलरी पढ़ा देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं, लेकिन पहले बेसिक बैकग्राउंड तो बताओ। हाँ शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, एक दिन दो दिन थोड़ा बोर लगता है, टफ लगता है, लेकिन अभी देखो कितना मजा आने लगेगा, खत्म होने लगेगा। लेकिन इसको बिना पढ़े अगर हम सैलरी पढ़े, इसको बिना पढ़े अगर हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े, तो क्या पूरा पढ़ पाएंगे? यानी बिना इसको पढ़े हम आगे बढ़ना बेवकूफी है। तो हम लोग को सेक्शन 5 ढंग से समझना और लाइटली भी नहीं लेना है, हम ये नहीं करें कि इसमें खत्म हो जाना है, इतना लाइटली भी नहीं लेना है और इतना डीप में भी नहीं चले जाना है कि पता चला सेक्शन 9 में गोते लगाते रहे, क्योंकि वो सेक्शन है गोते लगाने वाला, ठीक है ना? फाइनल तक के बच्चे परेशान रहते हैं, तुम लोग की तो बात ही ठीक है। अब समझ में आई बात? लेकिन हाँ हम लोग उतना तो देखेंगे कि चीजें क्लियर हो जाए। तो इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, तो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया कहां होगा ये लिख दिया, सेक्शन 9 में देखेंगे। इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया, इन इंडिया आ गया ना, आपने इनकम कमाई अमेरिका में, कहां कमाई, और आपको वो इनकम रिसीट कहां हो रही है, तो टैक्स लग जाएगा इंडिया में। हाँ किस केस में सोचना मना है,
इनकम यहां से कमाओ, रिसीट कहीं भी करो, तीनों में टैक्स लगेगा। इनकम कहीं भी कमाओ, रिसीट इंडिया में करो, सारे केसेस में टैक्स लगेगा। बचा क्या? आउटसाइड इंडिया की इनकम। सुनना, इनकम एक्रू और अराइज और नहीं आउटसाइड इंडिया हर जगह डीम्ड। क्लियर है? पहला पॉइंट, बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, क्या कौन सा वर्ड आ गया? हाँ, एनी अदर इनकम, यानी इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ दिया, आउटसाइड इंडिया इनकम एक्रू और अराइज कहां हो रही है? बाहर हो रही है। एक्रू और अराइज कहां हो रही है? लेकिन वो एक्रू और अराइज हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि बिजनेस इंडिया में सेटअप, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, सॉरी, और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। बिजनेस कहां कंट्रोल्ड है? इंडिया से कंट्रोल्ड है। हम कमा बाहर से गए हैं लेकिन उसका बिजनेस कहां से कंट्रोल्ड हो रहा है और प्रोफेशन कहां सेटअप है उसका, तो कहां टैक्सेबल होगा? आ रहे रीजन बता रहे, टेंशन नहीं लेने का। इसके अलावा कोई इनकम है? बस इतना ही है। अब हमें इसको इलेबरेट करना है, ये कहानी कंप्लीट है, अब हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है। समझ में आई बात? नहीं क्लियर हुआ? एक बार मैं बताऊं, मैंने कहा तीन पार्ट में तोड़ दो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इसकी इनकम को दो पार्ट में बांटो, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल है। इनकम रिसीट और डीम्ड टू बी रिसीट इन इंडिया तीनों में टैक्सेबल है। आउटसाइड इंडिया इनकम इज एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया देन चार्ज टू टैक्स ओनली इन द फर्स्ट टू केसेस एंड इन रेस्ट ऑफ द केसेस ओनली इन द फर्स्ट केस इट विल बी चार्ज टैक्स। इज इट क्लियर? एक चीज देखने को मिली, अगर हम थोड़ा समरी में बात करें तो हमें एक चीज देखने को मिली, हाँ बोलो, एक ही चीज देखने को मिली वो ये कि आरओआर का सारा अमाउंट टैक्सेबल होता है, चाहे वो इंडिया से कमाए या ना कमाए, इंडिया से कमाए या वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगता है। देखो सामने दिख रहा है, कोई भी चीज छूटी नहीं है उसकी, आरओआर की रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम कोई भी हो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ कमाएगा चट्टे को टैक्स देना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई नहीं है? लेकिन नॉन रेजिडेंट को केवल उसी इनकम पर इंडिया में टैक्स देना है जो इन इंडिया, समरी तो यही बनकर के आई। देखो ना, इसकी आउटसाइड इंडिया की कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं है इंडिया में। फिर से बोलूं, आरओआर की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में, नॉन रेसिडेंट की केवल इन इंडिया वाले इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा क्या बोला मैंने? रिपीट करो।
सारे वर्ल्ड में टैक्स नहीं लगेगा, सारे वर्ल्ड की इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। पता चला हर देश में जाएगा हमसे टैक्स ले लो, हमसे टैक्स ले। सारे वर्ल्ड की इनकम का पर इंडिया में टैक्स लगेगा, पक्की बात है। और नॉन रेसिडेंट में केवल इन इंडिया से कमाई हुई इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। चले आगे, ये इसकी समरी कुछ नटशेल में बन करके आई। आने दो, अभी खत्म नहीं हुआ बाबू, बिल्कुल चिंता मत करो ना, हम भी जान रहे हैं कहां तक दिमाग जा रहा है वो, हमको मालूम है, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं है। खत्म करना होता अब तक खत्म करके आगे बढ़ गए होते, सैलरी चैप्टर चल रहा होता। देखो इधर, इधर देखो, मैंने इसके बारे में तो आपको बोला डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 9। इसके बारे में कौन सा सेक्शन लगेगा? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, आगे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अरे बोलो ना, नहीं लगेगा। पूछो क्यों, अब वो कहां, देखो मैंने इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, कहां स्टार लगाया है, हैशटैग इन इंडिया पर के ऊपर नहीं लगाया है, यहां इन इंडिया के ऊपर लगाया था, तो ये इन इंडिया तक था, यहां इन इंडिया नहीं लिखना है। बात समझ में आई? अब 2 मिनट कहानी सुनना, तुम लोग गलत जवाब देने के लिए तैयार रहो, सही तो नहीं दे पाओगे, दोगे? जवाब देने आए हो घर से, यही सिखाया है, नहीं दोगे जवाब, पूछेंगे तो जवाब नहीं दोगे, यही सिखाया। दोनों तरफ से पाचोगे बेटे, सुनो इधर, जवाब दोगे तो लात खाओगे, जवाब नहीं दोगे, सुनो इधर, मिस्टर एक्स अमेरिका में काम करता है, यूएस में काम करता है, और अपने एम्प्लॉयर से वो $10,000 पर मंथ पाता है। ये $10,000 उसकी अमेरिकन बैंक में ट्रांसफर की जाती है, और उस अमेरिकन बैंक से फिर वो इंडिया में भेज देता है। तो ये इनकम उसको कहां रिसीट हुई, उसके बाद ये कहां रिसीट हुई, तो इंडिया में कितना पैसा है, मान लो $8,000 भेजा, कितना, तो इंडिया में कितने पर टैक्स लगेगा? अरे भाई फिर वही बात, रिसीट इन इंडिया की बात करो, अगर कोई पैसा इंडिया में रिसीट होता है तो भले वो नॉन रेसिडेंट हो, टैक्सेबल लगेगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं? तो इसने $10,000 रिसीट किया इंडिया में, उसने 8,000 भेजा, तो इंडिया में कितना रिसीट हुआ, 8,000, तो कितने पर टैक्स लगेगा इंडिया में? 1 मिनट, बोलो, पक्की बात है, हाँ 10,000 पे लगेगा, कितने पर लगेगा, अरे कितने पर लगेगा भाई, कितना, 0। क्योंकि ये इंडिया में रिसीट नहीं है, रिसीट तो वहीं पर हो गया था, यहां रेमिटेंस हुआ है, इसको रेमिटेंस बोलते हैं, इनकम को इंडिया में भेजना और इनकम का इंडिया में रिसीट होना दोनों अलग अलग है। मैंने तुमको पैसे दिए तो यू आर द पर्सन हु रिसीट द इनकम, अब तुम किसी दूसरे को दोगे
तो ये रेमिटेंस हुआ, रिसीट नहीं हुआ। रिसीट केवल एक बार होती है, एक इनकम केवल एक ही बार रिसीट होती है, उसके बाद उसका रेमिटेंस होता है। क्या बोला मैंने? एक इनकम केवल एक ही बार रिसीट होती है, उसके बाद उसका रेमिटेंस होता है। इसने कहा नहीं मालिक, हमको बार बार इंडिया में पैसा भेजना पड़ता है, आप एक काम करिए ना, आप सीधे $8,000 मेरे SBI बैंक इंडिया में ट्रांसफर कर दीजिए। कितना? अब तुम लोग गलत जवाब देना, और $2,000 आप हमको यहां दे दीजिए। अब बताओ इंडिया में कितना रिसीट हुआ? इंडिया में टैक्स कितने पर लगेगा? अरे बोलो ना, कॉमन सेंस यूज करो, दिमाग में यही आ रहा है ना, और कुछ तो नहीं ना आ रहा? पक्का ना? डन करें, लॉक करें? सही है। क्योंकि ये डायरेक्ट भेजा गया है। हाँ, ये डायरेक्ट भेजा गया है, ये फर्स्ट टाइम रिसीट हुई है, दैट इज नॉट द रेमिटेंस। इनकम इज फर्स्ट रिसीट इन इंडिया, तो इसको हम रिसीट कहेंगे, रेमिटेंस नहीं बोलेंगे। अब क्लियर हुआ? अब तुम लोग के दिमाग में एक सवाल कूद रहा होगा और तुम लोग पूछ नहीं रहे हो, क्या ही नहीं रहा सवाल? आ ही नहीं रहा। अरे एक सवाल तो आना चाहिए। तीनों में हो गया। हाँ, ये एक सवाल और आना चाहिए दिमाग में। सर अगर मान लीजिए, अब अमेरिकन गवर्नमेंट कितने पर टैक्स लगाएगी, $2,000 पर या $10,000 पे? अगर तुम लोग की बात माने तो अमेरिका में टैक्स लगेगा $10,000 पे और इंडिया में टैक्स लगेगा $8,000 पे। आया था नहीं आया था दिमाग में? आया ही नहीं था ये सवाल। ये तो हम हैं जो बता। बोलो कहां? अमेरिका में। अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को कहेगी जितना तुम टैक्स लेते हो ना, हम नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है, लो अपना टैक्स, कमा हमारे आ रहा है, टैक्स तुम लो, यही तो बोलेगी। हाँ, पड़ोसी कहेगा कि तुम्हारा बेटा कमा रहा है, चलो हम अपने बेटे की नौकरी छोड़वा देते। तो अरे हमें बताओ अमेरिका में कितने पर लगेगा टैक्स और इंडिया में? एक ही इनकम पर दो जगह टैक्स नहीं लग जा रहा? सोचो, अमेरिकन गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी इंडिया क्या करता है तो वो अपने ऊपर अपने यहां कितने पर टैक्स लगाएगी, और इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं देखेगी अमेरिका का लॉ क्या चल रहा है, क्योंकि वो इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स लगाएगी, यानी कि इंडिया में कितने पर टैक्स लगेगा। तो टोटल कितने इनकम पर टैक्स लग गया? बेचारा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, टैक्स दे देकर मर जाएगा। तो इसके लिए एक चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DTAA, और ये होता है सेक्शन 90, 90A, 91। ये सेक्शंस तुम लोग पढ़ोगे। बात समझ में आई? कुछ क्लियर हो रहा है? उसमें इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक पैक्ट होता है, मेरी बात समझना, एग्रीमेंट है कि अगर मेरे यहां इस इनकम पर टैक्स लग गया तो इंडिया में नहीं लगेगा, इंडिया में लग गया तो अमेरिका में नहीं लगेगा। पैक्ट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों जगह नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? दोनों जगह, सुन लो मैंने क्या बोला, एक ही इनकम पर दो देशों में टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में क्या है, पैक्ट है, एग्रीमेंट है। ये नाम है ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, शॉर्ट में कहते हैं इसको DTAA। लेकिन अगर उस देश के साथ कोई एग्रीमेंट ही ना, अगर उस देश के साथ एग्रीमेंट ही ना हो तो, अरे हमें ये बताओ उस देश के साथ कोई एग्रीमेंट ना हो तो तब दोनों देशों में टैक्स लगेगा क्या? अरे बोलो ना। नहीं, हमने कुछ बोला?
देखो ना क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये सब। हाँ बताओ। अब मैं बताता हूं, अगर दोनों देशों के बीच में पैक्ट नहीं है और टैक्स लग रहा है दोनों देशों में, तो इंडिया कहता है कि अगर उस देश के साथ मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम आपको वेटेड इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्शन इंडिया में दे देंगे। अगर आपने उसी इनकम पर टैक्स वहां भी दिया है, यहां भी देना पड़ रहा है, तो हम आपको डिडक्शन इंडिया में दे देंगे। अब बात समझ में आई? वो भी कहां किस जगह लिखा हुआ, इसी में ही लिखा है। एग्रीमेंट है तो क्या होगा, बड़ा आसान है, एक देश में लगेगा एक में नहीं लगेगा, सीधे सीधे हटा देंगे। एग्रीमेंट नहीं है तो इसी सेक्शन में लिखा हुआ है 1991 में कि एग्रीमेंट ना होने पर हम लोग वेटेड अमाउंट के हिसाब से, वेटेड टैक्स के हिसाब से टैक्स को डिडक्ट कर देते। कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है, आपको दो जगह टैक्स नहीं देना, ये तो तय मान लो। अब आते हैं इसके बाहर की बात करते। इंडिया में भी, ये तो रही बात एक देश और दूसरे देश की, इवन इंडिया में भी ये कॉमन लॉ है इसी इनकम टैक्स में कि एक इनकम पर एक ही बार टैक्स लगेगा। डबल टैक्सेशन इंडिया में भी नहीं होता, एक ही इनकम पर दो बार आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन तीन चार एक्सेप्शंस छोड़ देना। तीन चार जगहें ऐसी हैं जहां गवर्नमेंट जानबूझकर दो दो बार टैक्स लेती है, तू भी दे दे, इधर से भी दे उधर से भी दे, बेचारा मर जाता है टैक्स दे करके, क्योंकि वहां पर कालाबाजारी रोकनी होती। अब बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक ही इनकम पर दो बार टैक्स नहीं लगेगा, ये एक जनरल रूल है। सिंगल टाइम टैक्सेशन लगता है, डबल टैक्सेशन इंडिया में भी नहीं लगता। अब वापस आते हैं इस सेक्शन पर, सेक्शन 5। चलो एक बार रिकैप करते हैं, मेरे साथ रिकैप कर लोगे। सेक्शन 5 कहता है इनकम रेजिडेंशियल स्टेटस से शिफ्ट तीन पार्ट में तोड़ते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। इनकम को दो पार्ट में लेकर चलते हैं, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया में दो चीजें लेकर के चलते हैं, इनकम एक्रू और अराइज, और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया शैल बी चार्ज टू टैक्स इन ऑल द थ्री केसेस। इनकम रिसीट और डीम टू बी रिसीट इन इंडिया शैल बी चार्ज टू टैक्स इन ऑल द थ्री केसेस। आउटसाइड इंडिया इनकम इज एक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेट अप इन इंडिया शैल बी चार्ज इन फर्स्ट टू केसेस एंड इन एनी अदर इनकम ओनली चार्ज टू टैक्स इन द फर्स्ट केस। दैट्स इट। कितना सिंपल है भाई, नहीं समझ में आई बात? रुक जाओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना? ये दिया हुआ है ना, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, यस यस यस। इनकम रिसीट और डीम टू रिसीट इन इंडिया, यस यस। और इफ इनकम इज एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया, यस यस। एंड एनी अदर इनकम, यस नो नो, यही तो बताया। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1, सुनेंगे ढंग से। राम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम, कैलकुलेट द इनकम विच इज लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग, ये मानते हुए चलो, He is an ordinary resident, यानी कि R O R. He is not an ordinary resident, R N O R. और तीसरा है He is a non-resident. वो non-resident है. चलो अब तुम लोग हमें बताते जाओ एक एक करके. Salary received in India. Salary From a former employer of UK, UK का कोई बंदा, मेरा employer मालिक है, उसने हमको सैलरी इंडिया में रिसीट करवाई, तो बताओ कहाँ टैक्स लगेगा? थर्ड में? हाँ बोलो, तीनों में? हाँ, क्योंकि रिसीट इन इंडिया है, तो जब रिसीट इन इंडिया है तो तीनों में लगेगा। कमाओ कहीं भी, अगर इंडिया में रिसीट कर रहे हो तो तीनों में, तीनों में देखो, 41 41 41। अरे वाह, नहीं समझ में आई बात? तो हम ये बोल सकते हैं ना
आरओआर, आरएनओआर है ना, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, पहला क्या है सैलरी रिसीट इन इंडिया फ्रॉम एन एम्प्लॉयर ऑफ यूके, सैलरी रिसीट इन इंडिया फ्रॉम एन एम्प्लॉयर ऑफ यूके। अब चाहे फॉर्मर एम्प्लॉयर हो प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो वी डोंट केयर, हम सीधे सीधे 140,000 तीनों पर टैक्स लगा देंगे चाहे वो कोई भी केस हो। बोल लो इनकम प्रूफ, अब उसको कौन समझाए अंदर लोग तपे हुए और तपा करके जा रहा तपेलू है तो देखो इधर दूसरा देखो इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल, टी बिजनेस कहां कर रहा है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया फर्स्ट सेकंड में, ठीक है ना, देखो ना तुम लोग तेज हो फर्स्ट सेकंड में, क्यों, क्योंकि आउटसाइड इंडिया में इनकम एक्रू कहां हो रही है नेपाल में, लेकिन बिजनेस कहां कंट्रोल्ड है तो दो जगह टैक्स लगेगा, आया ना, देखो ना फर्स्ट एंड सेकंड, ये इफ बिजनेस इज एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया नेपाल बट इस बिजनेस इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया तो दो केसेस में लगेगा। हाँ बोलो, टी बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया कितना इनकम था 10,000, दो में टैक्स लेबल होगा थर्ड में नहीं होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इंटरेस्ट ऑन कंपनीज डिपॉजिट इन कैनेडा, कन्नड़ नहीं लिखा है कैनेडा, 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, अब बताओ, अरे वाह इसमें लगे कितना, इसको दो पार्ट में तोड़ो, इन इंडिया कितना है और 20,000 आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया की इनकम आउटसाइड इंडिया में ही रिसीट हो रही है, आउटसाइड इंडिया की इनकम कनाडा की इनकम कनाडा में ही रिसीव हो रही है 20,000, तो केवल फर्स्ट केस में लगेगा, कनाडा की इनकम कनाडा में ही रिसीव हो रही है तो केवल फर्स्ट केस में लगेगा, कनाडा की इनकम 10,000 इंडिया में रिसीट हो रही है तो तीनों में लगेगा, सॉरी 30,000 को दो पार्ट में तोड़ दो ना, 10,000 की इनकम इंडिया में रिसीट हो रही है तो आउटसाइड इंडिया की इनकम अगर इंडिया में रिसीट हो तो तीनों में लगेगा तो वो कितनी है केवल 10,000, और 20,000 वो इनकम है जो आउटसाइड इंडिया की आउटसाइड इंडिया मिल रही है तो किस कैटेगरी में आएगी, एनी अदर इनकम, क्योंकि वो बिजनेस तो है नहीं प्रोफेशन तो है नहीं, इसी में आएगा तो केवल फर्स्ट कैटेगरी में। बोलो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिविडेंड था ना इंटरेस्ट, वही मिला कितना 20,000 तो केवल पहले में टैक्स लगेगा, और इंटरेस्ट फ्रॉम कनाडा रिसीट इन इंडिया कितने पे टैक्स लगेगा तीनों। अब समझ में आई बात, क्लियर हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम यूके, भैया बिजनेस कहां पे है, इंडिया में है ना, बात खत्म हो गई ना,
अरे बोलो ना, आउटसाइड इंडिया बिजनेस होता तो हम एक बार सोचते इंडिया से कंट्रोल्ड है या नहीं। अरे इंडिया में बिजनेस है, कंट्रोल्ड कहीं से भी हो कोई मतलब नहीं, इन इंडिया है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 1 लाख तीनों में, वन लैख, समझ में आई बात। प्रॉफिट फॉर द ईयर 5-6 टोक्यो का पैसा अब इंडिया में मिला है, इंडिया में भेजा गया है। 5-6 का पैसा टोक्यो में इस साल मिला और उसको हम इंडिया में भेजने, बताओ किसमें लगेगा? रेमिटेंस है तो क्या आरओआर में भी नहीं लगेगा? आरओआर में तो वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो इंडिया में रिसीट हो, आउटसाइड इंडिया रिसीट हो, कहीं भी रिसीट हो, किसमें लगेगा? कहीं नहीं लगेगा। खुश होने की जरूरत नहीं है, गलत जवाब गलत था, रीजन गलत था, पूछो रीजन क्या है। अरे भाई 5-6 की इनकम 24-25 में कैसे लगेगी टैक्स? ये हम किस साल का बना रहे हैं, किस साल का बना रहे हैं, किस साल का बता रहे हैं? तो मैंने लास्ट सेशन में यही तो बताया था, हर एक साल अलग अलग होता है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं, यही तो गाना गाया था। 4-5 के ईयर को 24-25 में कैसे ले आ सकते हो भाई तुम लोग? ईयर तो लिखा तो है, मैंने कहा ना रीजन गलत दिया तुमने। 5-6 की इनकम है तो 5-6 में जाकर टैक्स लगाओ, हम तो 24-25 की बात कर रहे हैं भाई। तो उस अकाउंट को फिर खोलो 4-5 वाले को, उस पे टैक्स लगाओ, इस साल वाले में क्यों जोड़ रहे हो? मैंने बोला था ना खंड खंड में तोड़ तोड़ कर लगाया जाता है, ये वर्ड यूज किया था ना। तो देखो ना ये है, तो यहां पर टैक्स नहीं लगेगा। पास्ट ईयर्स इनकम्स शैल नॉट बी क्लब्ड ओवर हियर इन दिस ईयर, लिखे या छोड़ दें। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी कहाँ है? इंडिया। तो इनका मतलब इनकम कहाँ पैदा हो रही है, तुम कहीं भी रिसीट करो। प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो किराया तो यहीं जनरेट हो रहा है, यहीं एक्ट्री हो रहा है, यहीं अराइज हो रहा है, तो भैया तीनों में टैक्स लगेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया 45,000, तीनों में लगा दे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन दिल्ली, तीनों में लगेगा ना। रिसीट इन इंडिया हो रहा है, रिसीट इन इंडिया है, तीनों में लगेगा। रिसीट कहां पे? तो इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एक्रू आउटसाइड इंडिया बट रिसीट इन इंडिया। तो मैंने ये तो बताया था ना रिसीट इन इंडिया हो तो तीनों में टैक्स लगता है, यही तो बताया था, ये रिसीट इन इंडिया। क्या था? प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन इंडिया। कितनी इनकम थी? 150। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन कनाडा, बाहर की इनकम की, लंदन की इनकम कनाडा में मिली है, बाहर से बाहर, तो केवल पहले में टैक्स लगेगा। आरओआर में वर्ल्ड वाइड इनकम टिकट टैक्स लग, क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग? क्या
कितना है पहले वाले केस में केवल लगेगा, अच्छा उल्टा लिख दिया, ये लंदन है कितना था इनकम 2.5 लाख 2,50,000 बोलो बात ना करो। बिजनेस इन जाम्बिया कंट्रोल्ड फ्रॉम टर्की, बिजनेस कहां पे है बात खत्म, कंट्रोल्ड मान लेते नहीं है इंडिया में 10,000 केवल पहले में, टोटल इनकम बताओ कितनी आ गई, कौन सा, अरे 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 कहां पर लगेगा केवल पहले में, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, 1.50, 1.80, 2.80, 3.25, 4.75, 7.35 50, 60, 2.60, 3.5, 4.55 2.40, 2.50, 4.45 7.35, 4.55, 4.35 नहीं समझ में आई बात, नोटिया लो आप नोट करो, नेक्स्ट सेशन में आपका चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा, और